हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल HDGP गेमर में। आज हम आपके सामने Xiaomi TV 5X को PS5 के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें हम अपना PS5 पर HDR जो कि स्टार्टिंग में अनसपोर्टेड दिखाता है उसको इनेबल करेंगे और वो कैसे करते हैं हम आपको इस वीडियो में जल्द से जल्द बताएंगे। आप देख सकते हैं ये 4K आउटपुट देता है, HDR भी इसमें है। तो इसको एनेबल कैसे किया जाता है इस वीडियो में आज हम आपको बस यही बताएंगे, छोटे से छोटा वीडियो बनाएंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसलिए हम सीधा अपने सेटअप पे चलते हैं जहां हमने अपने Xiaomi TV 5X को लगाया है और इसको PS5 के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चले चलिए दोस्तों, हम अपने सेटअप पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमने PS5 को कनेक्ट कर दिया अपने टीवी के साथ। इनपुट में जाएंगे, हम देखते हैं इनपुट में जाके, इनपुट में गेमिंग कंसोल आ गया है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारा टीवी कनेक्ट हो गया PS5 के साथ। हम अपना रिमोट यूज करते हैं PS5 का, इसको यहाँ रख देते हैं। हम सेटिंग में जाते हैं, अपने सेटिंग में जाके हम स्क्रीन एंड वीडियो में जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे HDR ऑफ आ रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन हमारा टीवी पूरा दे रहा है 4K का। बैक करते हैं, HDR ये प्रॉब्लम आएगी, आपको लिखा आएगा योर टीवी डज नॉट सपोर्ट HDR। इसको कैसे इनेबल कर रहे हैं ये देख रहे हैं। तो हम बैक जाएंगे अपना Xiaomi का होम पेज खोलते हैं और फिर सेटिंग में जाएंगे। हम सेटिंग में जाके हम एडिशनल सेटिंग के अंदर डिवाइस रेंज इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाके हमको इसको ऑफ करना है, ऑफ कर दिया। फिर बैक जाएंगे, फिर देखते हैं दोबारा से। एडिशनल सेटिंग में ऑफ ही है। इनपुट में जाएंगे नीचे, HDMI 3 पे तो हमारा कैमरा लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गेमिंग कंसोल वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। अब आ गया, अगर हम उसको ऑफ नहीं करते हैं तो हमारा जो ये रिमोट है, ये जो हमारा PS5 का रिमोट है उसी की तरह काम करता है, हम इसको भी चला सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको ऑफ कर दिया है जिससे कि अब हम इसके अंदर बीच वाले जो बटन है इसको दबाए रखेंगे। देखा, जैसे कि हमने बीच वाला बटन दबाए रखा तो हमारे पास ये ऑप्शन आए। तो इसके अंदर हमें HDMI पे जाना है। अगर हम उसको ऑफ नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा, ये एज ए रिमोट आपका काम करेगा। तो इसलिए उसको ऑफ करना जरूरी है। फिर उसको जाएंगे और हम HDMI ऑप्शन पे जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखो 1.4 जो डिफॉल्ट होता है, इसको हमें 2.1 को इनेबल करना है, जो कि इनेबल हो गया। कुछ सेकंड के लिए आपका टीवी एकदम बंद हो जाएगा और फिर ऑन होगा। इसको एडजस्ट करना है, बैक के नेक्स्ट। अब जाके देखते हैं सेटिंग में, ऑलवेज ऑन
ये इनेबल हो गया है जहां नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ था। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।